हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। ये शेयर आज करीब 14% अभी मार्केट चल रहा है, 14% के आसपास ही ऊपर चल रहा है। उसने कैंडल भी देखे, बहुत ही ज़बरदस्त बना है कैंडल। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी देखे, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिन में चांसेस हैं इसको ऊपर जाने के। तो इस वीडियो में इसका एनालिसिस करेंगे, इसके टारगेट देखेंगे, स्टॉप लॉस देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, इसके फाइनेंशियल देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे, सब डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। देखिए, कल जब ये क्लोज हुआ था तो 206 के आसपास क्लोज हुआ था। आज हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, 209 के आसपास ये ओपन हुआ और एक इसने हाई लगाया 239 का, 240 का, और अभी मार्केट चालू 235 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो चलिए इसके बाकी डिटेल में चलते हैं। इसका न्यूज़ है, कुछ न्यूज़ के कारण से ये शेयर ऊपर गया आज, तो न्यूज़ भी देखेंगे। उससे पहले देखिए, ये मेरे यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है WIT, यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। ये यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक वाले वीडियोज़ हैं, जो थोड़े लंबे वीडियोज़ हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडिकेटर स्ट्रेटेजी जो लोग शॉर्ट टर्म में इंट्राडे करते हैं, IPO रिलेटेड इसमें ट्रेडर इन्वेस्टर कौन ज़्यादा पैसा कमाता है उस टाइप से इसमें है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इसमें है, और स्टॉक बेस्ड जो है न्यूज़ बेस्ड वाले क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है उस टाइप की वीडियोज में है। तो आप चाहे तो वीडियोज देख सकते हैं, आपके ऊपर है। बीते कुछ दिनों में मैंने कुछ वीडियोज बनाए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप देखिए GM ब्रिवरीज के ऊपर मैंने बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, और उसके अलावा अदानी विलमेर के ऊपर भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये था मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके न्यूज के ऊपर। देखिए, स्टरलाइट टेक सोर 7% एज प्रमोटर लुक्स टू रोप इन इन्वेस्टर्स फॉर की वर्टिकल्स। तो प्रमोटर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं और इसके कारण से ये शेयर भाग आया है। तो स्टरलाइट टेक बेसिकली, आप देखिए बाकी डिटेल में जाएंगे, ये क्या दी है, द कंपनी रिसेंटली अपॉइंटेड 3 चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर द वर्टिकल्स। तो तीन अलग अलग वर्टिकल्स हैं उसके लिए पे अपॉइंट किया है और ओवरऑल जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये बात है। देखिए, शेयर ऑफ स्टरलाइट सर्ज ओवर 7% ऑन अप्रैल 22 आफ्टर ए रिपोर्ट सेट दैट द प्रमोटर इज लुकिंग टू अ रोप इन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फॉर 3 मेजर वर्टिकल्स। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है तीन वर्टिकल में। सो अनिल अग्रवाल ओन स्टरलाइट टेक इज ऑफरिंग एज मच एज 25 स्टेक इन स्टेक ईच इन ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सर्विस। तो तीन वर्टिकल है, ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर, टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर तीन वर्टिकल है, तीनों में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है अग्रवाल टोल्ड हिंदू बिजनेस दैट दे आर लुकिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ 2 बिलियन फॉर ईच ऑफ द वर्टिकल। तो बहुत ज्यादा है ये, और एट दैट वैल्यूएशन स्टरलाइट टेक विल हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 45,000 करोड़ विच इज ओवर 5 टाइम्स द करंट 8,860 करोड़। इसका मीनिंग ये है, ये शेयर जो है यहाँ से 5 गुना हो सकता है, और जो कि बहुत बड़ी बात है लॉन्ग टर्म में, और ये इन लोग वैल्यूएशन सोच रहे हैं। द कंपनी रिसेंटली अपॉइंटेड 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फॉर द वर्टिकल। प्रवीण चरण वाज स्टेप्ड टू द लीड द नेटवर्क सर्विसेज व्हाइल रमन वेंकटरमन लुक ओवर सॉफ्टवेयर सर्विसेज। स्टरलाइट टेक अपॉइंटेड पॉल एटिंगसन एज चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस। द प्रमोटर ग्रुप करंटली ओन्स 54% स्टेक इन स्टरलाइट टेक। तो ये मेन है, तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए ओवरऑल जो ये शेयर है ये आने वाले दिनों में 5 गुना तक हो सकता है इसका वैल्यूएशन, और ये 3 वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट होगा, ऑप्टिकल फाइबर और सॉफ्टवेयर सर्विसेज और नेटवर्क सर्विसेज। तो ये 3 एरिया में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, ये मेन है। तो अब देखते हैं, हम लोगों ने मैंने आपको ये न्यूज़ बता दिया और इसका वैल्यूएशन भी बता दिया, 5 गुना तक हो सकता है। अभी चलते हैं इसके फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में चलेंगे, रेवेन्यू के टर्म्स में देखेंगे, 2021 में 4,825 करोड़, उससे पहले 5,154 करोड़, उससे पहले 5,087 करोड़। देखिए लगातार इनका बढ़ रहा था, अभी एकदम सेम है उसके आसपास ही है। अभी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 2021 में 254 करोड़, उससे पहले 432, उससे पहले 585। पहले बढ़ रहा था, अब ये घट रहा है इसका नेट प्रॉफिट। अभी बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस की देखिए 6.98, और उससे उससे पहले जो है 10.89, उससे पहले देखेंगे ना 14.01। तो पहले देखिए लगातार बढ़ रहा था, उसके बाद लगातार घट रहा है इनका ईपीएस। ये था इसका
फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर के पास जो 54% है, कोई भी शेयर इनके प्लेज नहीं है। एफआई की बात करते हैं, एफआई के पास 6.14% है और लगातार उसके आसपास ही है। डीआई के पास देखिए 7.99 है, उससे पहले 7.07 था। पब्लिक के पास देखते हैं, पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास 31.72% है। तो ये था इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और फाइनेंशियल। अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। लॉन्ग टर्म की व्यू के लिए आप इसमें ठीक ठाक स्मॉल या मिड अमाउंट डाल सकते हैं, ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना डालें, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बोल रहे हैं यहाँ से 5 गुना हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो चांसेस हैं। तो आप छोटा मोटा अमाउंट या फिर मिड साइज का अमाउंट डाल करके इसे छोड़ सकते हैं, मेरे लॉन्ग टर्म की व्यू है। लेकिन याद रखिए ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना डालें, अपने पोर्टफोलियो का 2-3% के आसपास डाल सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो ये था इसका लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू में ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में ये जो शेयर है इसके अलग अलग लेवल्स हैं। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। 200 के यदि ये नीचे जाता है तो ये शेयर वीक हो जाएगा, आपको निकल जाना है। और अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, ये रेजिस्टेंस लेवल जब तक ये तोड़ेगा नहीं आप इसमें बाई मत करिए, ये तोड़ने दीजिए उसके बाद ही आप बाई करिए। तो ये 240 जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, देखिए वहाँ से ये रेजिस्ट करके या फिर वहाँ से नीचे आ रहा है ये शेयर 240 का। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ये ऊपर नहीं जाएगा। तो अगला जो टारगेट रहेगा यदि ये ब्रेक करके जाता है तो 262 रहेगा, और 262 के बाद ये 300 के आसपास तक जा सकता है, और उसके ऊपर यदि जाता है तो 316 तक ये जा सकता है। तो तीन चार लेवल्स मुझे दिख रहे हैं आपको। मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट्स बता दिए, न्यूज़ बता दिया, फाइनेंशियल बता दिए, लॉन्ग टर्म व्यू बता दिए, शॉर्ट टर्म व्यू बता दिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दिए, सभी चीज़ मैंने डिटेल में आपको बता दिया। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरा एनालिसिस, मेरी थिंकिंग थी, मेरी सोच थी, मेरा दिमाग था, मेरा रिसर्च था। आप खुद का एनालिसिस करें, खुद का दिमाग लगाएं, उसके बाद ही पैसा लगाएं, किसी के बोलने पर ना लगाएं, क्योंकि पैसा आपका प्रॉफिट लॉस आप ही का होगा, इसलिए सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा आप ये वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके भी लिख सकते हैं आपको जो भी लगता है। और मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं फ्री के इंटरडे फ्यूचर ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग के कॉल देता हूँ, बिल्कुल फ्री है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक अपनी यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ वहाँ पर जो भी कॉल दिए जाते हैं केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इस तरीके से वीडियो में खत्म करता हूँ। यदि आप स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये शेयर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।